और इसी पर और अधिक बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं टूरिज्म क्षेत्र के जानकार हैं सुभाष गोयल साहब, आपका स्वागत है। सुभाष जी, आप हमें बताएं, आप पिछले काफी सालों से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। क्रिसल की रिपोर्ट है वो बता रही है कि बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में जिस प्रकार से होटल्स की संख्या बढ़ाई जा रही है वो डिमांड से कहीं ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई एक साल के अंदर, और जो होटल के रूम रेट्स हैं उनमें भी कमी होगी। आखिर जो यहाँ दिल्ली की और मुंबई की बात करें, यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं, आखिर किस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को इसमें तेजी लाई जा सकती है? नहीं देखिए, ऐसा है, क्रिसल की रिपोर्ट जो है मैं उससे पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि ठीक है सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होटल रेट्स का होना लाजमी है जी, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि इस टाइम दिल्ली में कम से कम 70,000 से 1,00,000 कमरों की शॉर्टेज है जी, और इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार ने 184 गेस्ट हाउस दिल्ली सरकार के रजिस्टर्ड है और भारत सरकार में अलग रजिस्ट्रेशन है जी, तो इस टाइम 300-400 गेस्ट हाउसेस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। आप हमें बताएं, इसको मीट करने के लिए जो दिक्कत थी, इसके लिए जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो है उसकी शुरुआत की गई, पर उस वो विदेशों में काफी लोकप्रिय है, हमारे यहाँ नहीं इस प्रकार से इसको रिस्पॉन्स मिल पा रहा, कुछ ही लोग इसके साथ जुड़े हैं, आखिर क्या लोगों में इसकी जागरूकता की कमी है, क्या कारण है? थोड़ा मार्केटिंग और पब्लिसिटी की कमी है, वो हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें हम सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट की मार्केटिंग करेंगे और भारत सरकार भी और दिल्ली सरकार भी ब्रोशर्स बनाएगी जो कि एयरपोर्ट्स पे और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी क्योंकि पूरे लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं और स्कीम अभी नई नई है और हर चीज में टीजिंग ट्रबल्स होते हैं जी, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं पर वो दिक्कतें अब मॉरल सारी खत्म हो गई हैं जी। और तीसरी चीज जो है FAR भी इंक्रीज हो गया, यानी कि जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं जी ठीक है वो एक एक फ्लोर और बढ़ा सकेंगे, ये हमारी इंडस्ट्री की डिमांड थी कि जो एग्जिस्टिंग होटल्स को आप एक एक फ्लोर और बनाने दीजिए जी, तो एक्चुअली 3-3 फ्लोर कह रहे थे पर सरकार ने एक एक फ्लोर की इजाजत दी है, तो अगर एग्जिस्टिंग होटल्स में भी 100-100 कमरे 50-50 कमरे बढ़ जाते हैं तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी जी सुभाष जी। और 10,000 बेड एंड ब्रेकफास्ट में रूम्स हमें उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ गेम से पहले पहले हम रजिस्टर कर सकते जी। शुक्रिया आपका, तो उम्मीद है इनको काफी सारे इसमें जुड़ सकते हैं कमरे 10,000 तक, अभी फिलहाल 184 है और रिस्पॉन्स उस प्रकार से नहीं मिल रहा है जिस प्रकार की उम्मीद थी। समय पर खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।